कुवैत का वीज़ा ओरिजिनल मिला है या फेंक, कैसे आप चेक करेंगे? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुवैत का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हमारे पास मिला हुआ है, इसको चेक करना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुवैत का वीज़ा के ऊपर की क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पता लगा सकते हैं। मेरे भाई याद रखिएगा कि जो मैं तरीका बताने वाला हूँ सेम उसी तरीके से चेक करना है। अदर तरीके से आप अगर स्कैन करेंगे वहाँ पर आपका डिटेल शो करेगा, आपको लगेगा मेरा वीज़ा ओरिजिनल है। आप देखें नीचे वीज़ा नंबर है, अदर पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपका नाम यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जेंडर, ऑक्यूपेशन यानी किस काम का वीज़ा है, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, MOI रेफरेंस नंबर, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा, नीचे कंपनी का नाम मिल जाएगा। अगर इस तरीके का वीज़ा मिला है कैसे आप चेक करेंगे सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको स्कैन करना होगा। स्कैन कैसे करेंगे? किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर नहीं जाना है, किसी एप्लीकेशन से स्कैन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जाना है कुवैत का ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कुवैत का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा, वहाँ पर अगर शो करेगा तो वीज़ा ओरिजिनल है, वहाँ पर शो नहीं करेगा वीज़ा गलत है। दूसरा भी तरीका है मैं बता देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फाइनली मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ से मैं कुवैत का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ से इंग्लिश कर लेंगे, इंग्लिश करने के बाद सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे स्कैन क्यूआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो आपके वीज़ा के ऊपर क्यूआर कोड है उसको करप्ट करके आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए या लैपटॉप पे, उसके बाद से डायरेक्ट अपलोड करेंगे इसमें, जिस तरीके से मैं करूँगा। स्कैन क्यूआर पर जब मैं जाकर क्लिक किया, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, अपलोड देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको ओपन करता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक ये स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद यहाँ बता रहा है गलत का निशान है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट यानी गलत है, वीज़ा नहीं है, क्यूआर कोड गलत बता रहा है। वहाँ पे एक एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन आपको इजीली आपको मिल जाता है प्ले स्टोर पे, जिसका नाम है कुवैत वीज़ा। यहाँ पे जाएंगे, आप अपना वीज़ा नंबर देंगे, MOI रेफरेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारे डिटेल्स आपको वीज़ा के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद से आप इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अगर वीज़ा ओरिजिनल होता तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखें रेड कलर का इनवैलिड बता रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अदर भी मैंने बहुत ऐसा वीडियो डाला है, आप लोग जाकर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।